हेलो दोस्तों, मैं सी रंगमय, आप देख रहे हैं बिहार सॉन्ग। दोस्तों ये वीडियो क्या है, आज मैं बना रहा हूँ अपना एनलैप्स X7। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, मेरा सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाओ। ठीक है, इसका अपना इसके ऊपर क्या है, लोड के पास थी ये, उसको देखना था। ठीक है, तो मैंने भी सोच रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा लोड के ऊपर, तो मैं आज लेके आया हूँ एनलैप्स X7 के ऊपर वीडियो। ठीक है, ये मेरा सेटिंग ये रहेगा। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, पहले तो क्या मैंने चेक कर लिया है अभी। ठीक है, फिर भी आप लोगों को मैं दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ अपना। ये जो देखो दोस्तों, देखो गेन लेवल क्या है, अभी 40 पे है। और ये HF का फ्रीक्वेंसी जो है, मैंने इसको व्यवस्थित भी किया है। बेस के ऊपर जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी मैं टॉप चलाऊँ ना, इसलिए चलते। ठीक है, तो मैं थोड़ा कम करके रखा हुआ है और बेस मैंने 50% रखा हुआ है। ठीक है, तो फिर बाकी तो ऐसा ही है। और मैं कोशिश करूँगा कि फेडरल लास्ट तक उठाने के लिए मैं आप लोगों को दिखाऊँगा अभी। ठीक है, तो उठाने के बावजूद क्या है, क्लिप आता है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मैंने इसकी क्या लिमिटर ऑन करके रखा हुआ है, तो लिमिटर सभी को पता है कि अपना जब लिमिटर ऑन करते हैं और फिर एमपी क्या है और थोड़ा लोड पड़ने पर क्या है, क्लिप करता है। ठीक है, तो उसको देखना है कि कितना तक उठाता है। मैं आज चला रहा हूँ अपने ATI Pro का PD1850। ठीक है, ये है 18 अपना ATI Pro का PD1850। कंपनी बोलता है इसके ऊपर 2000 वाट। ठीक है, पर ये 2000 वाट में पहले तो इसके ऊपर क्या हमें 8 ohms में चलाऊँगा, 8 ohms में चला के देखूँगा कि 8 ohms में कितना उठा पाता है, नहीं उठा पाता है। लेकिन LF के कंपनी बोलते हैं कि ये अपना 8 ohms में क्या है, ये 1800 वाट देता है। ठीक है, लेकिन क्या मैं आज मैं चेक कर रहा हूँ इसके ऊपर अपना 2000 वाट देगा। ठीक है, फिर मैं इसको लिमिटर ऑन करूँगा, पहले ही बता चुका हूँ। यदि क्लिप कर जाता है दोस्तों, क्या है, ये एम्पली उतना दम नहीं है। यदि क्लिप नहीं करता है तो समझ लो दोस्तों उसमें क्या है, एम्पलीफायर में दम है। ठीक है, तो मैं पहले अभी मैं आप लोगों को बजा के दिखाऊँगा अपना 8 ohms में। ठीक है, मैं अपनी सेटिंग अभी हटा लेता हूँ। मैं अभी ये क्या है, टेस्टिंग में 4 ohms में चला रहा। ठीक है, अभी मैं 8 ohms में चला के दिखाऊंगा आप लोग को। वैसे मैं आप लोग को टेस्ट करके दिखा चुका हूँ। वो उस टेस्टिंग में क्या है, मैंने वो ट्राई किया था जो अपना डीजे का गाना नहीं है, डीजे गाना बजा के मैं चेक किया। ठीक है, क्योंकि वो गाना तो क्या है, अपना यूट्यूब में डालने से अपना कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। इसके चलते मैं अपना NCS का गाना क्या मैं बजाऊँगा। फिर यदि आप लोग को चाहिए अपना क्या नाम बोलते हैं, जो डीजे वाला गाना जो बजा के चेक किया था, तो वो क्या है, मैं YouTube में डालूँ, YouTube में नहीं अपना Facebook में अपलोड कर दूंगा, फिर उसका लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के नीचे वो आप लोग देख लेना। ठीक है, पहले तो मैं अभी आप लोगों को क्या है दिखाऊंगा इसका LF X7 का कैपेसिटी। पहले मैं इसके ऊपर क्या है, लिमिटर ऑन है, अब मैं फिर इसका सेटिंग दिखा दूँ। ये क्या है, मैंने इनपुट गेन लेवल क्या है, वैसे तो ऐसा कोई नहीं बजाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे देखना था कि इसका क्लिपिंग क्या है क्या नहीं है। मैंने गेन को क्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखा है। ठीक है, और ये अपना 100 से थोड़ा ऊपर का रखा हुआ है। फिर ये अपना 2 ohms में अपना नहीं 2 ohms उसमें क्या है, 2 way पे चला रहा हूँ, तो लोग में बड़ा यहाँ देखो -2 पे करके रखा हुआ है, तो हाई इसको क्या है मैंने यहाँ पे कर रखा हुआ। ठीक है, लेकिन वो बाद में आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी मेरे को ओनली फॉर बेस चेक करना था। बेस चेक करना मतलब ये आवाज़ आप लोग को चेक नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्लिपिंग दम चेक कर रहा हूँ, दम ना कि वाइब्रेशन अच्छा ये है वो नहीं चेक कर रहा हूँ, दम चेक कर रहा हूँ। ठीक है, दम मतलब एम्पली में दम है, तो दोस्तों क्या आवाज़ तो अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या मैं आज इस वीडियो में ओनली फॉर दम चेक कर रहा हूँ। ठीक है, एम्पली में कितना दम है। मैंने यूट्यूब वीडियो में क्या है, कई वीडियो में देखा, लेकिन ऐसा प्रॉपर कोई चेक नहीं करता। लेकिन क्या है, आप लोगों को देखना है तो इसी वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बने रहना मेरे चैनल के साथ। तो मैं आप लोगों को क्या है, जो चीज़ कोई नहीं बनाता उसी हिसाब से मतलब वो क्या है, मैं सबसे हट के टेस्टिंग करके दिखाता रहूँगा आप लोगों को, यदि मेरा साथ आप लोग का सपोर्ट रहे तो। क्रॉसओवर सेटिंग आप लोगों को बता दिया, ये क्या है ऐसा यहाँ तक मैंने सेट कर रखा हुआ। ठीक है, मैं अभी चला रहा हूँ अपना 4 ohms पे, और साथ साथ क्लिप को भी दिखाते रहूँगा, क्लिप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वो पहले हो दो ये तो देखो दोस्तों, अभी मैंने एक भी सेटिंग छेड़ा नहीं, और मैं ना ये पुश करूँगा। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा। हाँ, बुक पूछ लो, अब मैं उसको क्या है बुला दिया, उठा दिया है। ठीक है, MD को क्लिप करा नहीं करा, बस इतना ही देखना है आपको। ये 1850 है, तो ये है 8 ohms में। ठीक है, Thank you.
दोस्तों ये था अपना एड ऑन्स में, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये मतलब जो कंपनी बोलते हैं ना, ये जो क्या है 1800 वाट है और मैं दे रखा हूँ 2000 वाट, ठीक है। जैसे मैं अभी बजाया था दोस्तों, अभी आप लोग क्या है, कभी ऐसा नहीं बजाना, ऐसा बजाओगे ना तो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि 2 घंटे नहीं चल पाएगा स्पीकर, ठीक है। स्पीकर अभी से क्या है, अभी क्या है, स्पीकर अभी से ही मतलब फड़फड़ाना शुरू कर दिया दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं बजा रहा था ना, तो स्पीकर क्या अभी से फड़फड़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे बजाओगे तो आप क्या है, अपना 2 घंटे में फूक जाएगा। ऊपर से लिमिटर ऑन भी है, लिमिटर ऑफ नहीं किया हमने, लिमिटर ऑन पे ही जब इतना फड़फड़ाता है, लिमिटर ऑफ पे दोस्तों देखो कितना कैसा बजेगा, ठीक है। तो मेरा आप लोगों को ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप लोग X7 बजाते हो तो क्या है, लिमिटर ऑन पे ही बजाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को दिखा दिया गेंद, यहाँ तक उठा के दिखा दिया, क्योंकि आप लोग कंपटीशन में जाओगे तो गेंद उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको आवाज़ निकलेगा, आप तो गेंद उठाना ही पड़ेगा। यदि आपने लिमिटर ऑफ करके इतना गेंद उठाओगे तो दोस्तों क्या है, ये स्पीकर फूंक देगा। वैसे ही मैंने भी फूका है, ये स्पीकर जो है फूका हुआ है, ठीक है। मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है दोबारा, ठीक है, ये फूका हुआ है, इसी ने फूका है, X7 ने ही फूका है। तो उस टाइम मैंने बजाया था, 8 ओम्स में चलाया था। अभी मैं आप लोगों को, वैसे तो आप लोग अभी देख चुके हैं 8 ओम्स का क्या कैपेसिटी था, उसमें क्लिप नहीं किया, फुल साउंड लगाया, और फिर मैंने वॉल्यूम भी इसको दिखाया, छेड़ा नहीं, फिर तब भी ये क्लिप नहीं किया। ये नहीं किया कि मैं ये फुल उठा दिया और यहाँ पे वॉल्यूम कम कर दिया, नहीं, वॉल्यूम मैं कम नहीं किया, वैसे के वैसे आप लोगों को दिखाया, ठीक है। तो तब भी आप लोग यहाँ पे क्लिप नहीं किया। अब मैं करने वाला हूँ 8 ओम्स में, 8 ओम्स नहीं 4 ओम्स में, इसको मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको निकालने वाला हूँ, अब मैं 8 ओम्स बजाऊँगा दोस्तों आप लोगों के सामने, बिल्कुल क्लिप बिल्कुल कट ना किए हुए, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है। अब ये हो गया है 8 ओम्स का, देखो ये 8 ओम्स हो गया, ठीक है, पेच कर दिया मैंने। फिर मैं आपको अभी बजाने वाला हूँ, बहुत ले लो तो दोस्तों सेटिंग्स है, मैं बिल्कुल छेड़ा नहीं, बस ओनली फॉर मैं वॉल्यूम उठाऊँगा उतारूँगा, ठीक है। लो था दोस्तों, अभी देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये था एट अपना 4 ओम्स का। जैसे मैं दोस्तों अभी बजाया ना, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जब आप लोग बजाते भी हो X7 और PD850 के साथ, ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि बेस को थोड़ा कम बजाओ, ठीक है। जैसे मैं अभी बजा रहा हूँ ना, ऐसे आप 3 घंटे नहीं बजा पाओगे, ठीक है। 3 घंटे में क्या है, आपका स्पीकर फूंक दोगे, जैसे मैंने स्पीकर फूंका था, आप लोगों को फूंक दोगे तो क्या है, बे मतलब कि आप लोगों को स्पीकर किस लिए जलाना, इसलिए कि आप लोगों को क्या है, कभी जब बजाते हो तो क्या अब बेस को थोड़ा कम करके बजाओ। अभी इसमें भी आप लोगों को चेक करके दिखा दूंगा, ठीक है, अभी इसको भी अभी चेक करूंगा, बेस कम में भी कितना प्रेशर दे रहा है। देखो दोस्तों लिमिटर ऑन है, लिमिटर ऑन है तब भी इतना प्रेशर दे रहा है, तो ऑफ में दोस्तों कैसा होगा। जब मैं जलाया था ना, तो उस टाइम झूठ नहीं बोलूंगा, उस टाइम मेरा लिमिटर ऑफ था, क्यों मुझे पता नहीं था कि ये लिमिटर ऑफ में भी, ऑन में भी इतना प्रेशर देगा, तो ऑफ में कैसा होगा देख लो। मेरा 3 घंटा नहीं बजाया, इसने फूंक दिया तुरंत, 8 ओम्स भी था उस टाइम, ठीक है। अब मैं 4 ओम्स बजा के अभी बेस को मैं कम कर दिया हूँ, अभी देखते हैं इसके ऊपर भी उपलब्ध हुआ। दोस्तों अभी आप लोगों ने सुना, देखो मैंने कहाँ पे बेस लगा रखा था, मैंने बेस लगा रखा है दोस्तों, ये जो ना है ये सेटिंग जो है दोस्तों, बेस कहाँ है आप लोग देख लो, बेस कहाँ है, 4 पे, ठीक है। बोले तो यहाँ मैं शुरू करता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से 1 2
तीन दोस्तों, तीन पे है, तीन कट पे है, ठीक है। मान लो ये है अपना, फिर दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ये है ठीक है, ये है मतलब एक कट, दो कट, तीन कट। दोस्तों तीन कट में जब बजाएं ना फुल वॉल्यूम पे, दोस्तों क्या है इसमें आप लोग बजा सकते हो, इसमें क्या है 12 घंटे तक चल जाएगा ऐसे प्रेशर में, ठीक है, स्पीकर चल जाएगा। जैसे मैं जैसे पहले बजाया था 50% बेस देके, दोस्तों इसमें क्या है ऐसे बजाओगे तो क्या स्पीकर जल जाएगा। मुझे पता है मेरा स्पीकर का कितना हालत है, और स्पीकर क्या उस टाइम जब मैं बेस 50% दिया था दोस्तों, ये फड़फड़ा रहा था, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया है उस बेस को थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है। बेस को कम करने रीज़न ये है, यदि मैं यहाँ से बेस को कम करूँगा, तो यहाँ से मैं बेस को कम करूँगा ना, तो क्या है ऑलरेडी ये अपना जो लो का स्पीकर जो है कम हो जाएगा। मैं यहाँ से कम नहीं किया, मैंने यहाँ से कम किया ताकि बेस कम रहे लेकिन क्या थोड़ा बहुत पंचिंग लगातार रहे, ठीक है दोस्तों। मैंने इसमें यहाँ से कम किया, मैंने वहाँ से कम नहीं किया, ठीक है दोस्तों। अब ये रहा अपने X7 का टेस्टिंग। दोस्तों आप लोग अच्छा लगे तो क्या है वीडियो को लाइक कर देना और हो सके सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बस वीडियो अपना यहाँ तक है। दोस्तों अभी आप लोगों ने एनलैब्स X7 का टेस्टिंग देखा, और जिन भाइयों ने इन चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और छोटे से चैनल को सपोर्ट किया हुआ है, तो उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा वीडियो यहाँ तक है, और आप लोग यहाँ तक मेरे साथ बने रहेंगे। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।